स्वागत है आप सभी का लर्नस्पायर पे। आज हम लोग आईपीसी लेक्चर सीरीज में सेक्शन नंबर 81 को कवर करेंगे। जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमें बताता है कि नेसेसिटी एज अ एक्सेप्शन हमें कब, कैसे, किन सिचुएशंस में मिलता है। अच्छा देखो, तुमको लैंग्वेज, आईपीसी की लैंग्वेज पे, बैक की लैंग्वेज पे ले जाने से पहले हम जरा कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि मैं शिप चला रहा हूं, ठीक। अब आगे एकदम बहुत बड़ा सा पत्थर आ रहा है, मेरे को मालूम है एकदम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है कि मेरे को शिप तुरंत के तुरंत मोड़नी है, अदरवाइज शिप में लोगों को बहुत सारी डैमेज हो जाएगा, बहुत सारे लोग मर सकते हैं, ठीक। नाउ देयर इज एन एडेड क्लॉज कि अब या तो मैं राइट मोड़ सकता हूं या लेफ्ट मोड़ सकता हूं, ठीक है, सॉरी लेफ्ट मोड़ सकता हूं या राइट मोड़ सकता हूं। अब ये बात याद रखो, लेफ्ट में एक और बोट है जिसपे 2 लोग हैं, राइट में भी एक बोट है जिसमें 20 लोग हैं। मैं एज अ सेलर क्या करूंगा बताओ? मुझे एक ना एक को तबाह करना होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं 20 लोगों वाली बोट को हिट करता हूं तो उनकी जो मृत्यु होगी, 20 लोगों की मृत्यु होगी, वो ज्यादा बड़ा डैमेज है कंपैरेटिवली टू 2 पीपल्स डेथ, ठीक है। तो यहां पे आई टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट और मेरा एक्ट जिससे उनकी मृत्यु होगी वो मुझे नेसेसिटी में करना पड़ा, मुझे मजबूरन करना पड़ा, है ना। तो वहां पे अगर मैं वो ना करता तो एक और ऐसा चीज हो सकती थी जिससे इससे ज्यादा हार्म हो सकता था, इससे ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी। तो ऑल दो मैंने जान करके अपनी शिप एयर डायरेक्शन में घुमाई जहां पे 2 लोगों की मृत्यु हुई, क्राइम हुआ, लेकिन फिर भी मैं बच जाऊंगा, क्यों? बिकॉज आई हैव द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। एक और भाई एग्जांपल लो, सपोजिंगली एक घर में आग लग गई, ठीक है, एक घर में आग लग गई, उस घर में आग लगने से आसपास के घरों में आग लग कर वहां पे प्रॉपर्टी और मतलब लोगों के मरने की आशंकाएं, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि ये अगर आग नहीं रोकी गई तुरंत के तुरंत तो फैल जाएगी, बहुत डैमेज करेगी, ठीक है। नाउ अगर मैं अब उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दूं ताकि और जगहों पे डैमेज ना हो, तो फिर मैं नेसेसिटी में एक्ट किया, मैंने और ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए एक स्मॉलर हार्म कंपैरेटिवली किया, भले ही वो क्राइम हो लेकिन फिर भी मेरे को सजा नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि वो मैंने नेसेसिटी में किया। आ रही है बात समझ में? ठीक है, फील आ गई नेसेसिटी की। अब चलो बेयर एक्ट की रीडिंग करते हैं ताकि सेक्शन की भाषा भी हम अच्छे से समझ लें। तो सेक्शन नंबर 81 कहता है कि एक्ट्स लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। याद रखना, बताया था तरीका, इन चीजों को मार्क करते चलो, विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, बताया प्रिवेंट अदर हार्म, नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली By reason of its being done, कोई भी चीज सिर्फ वो करी गई सिर्फ इस बात से ऑफेंस नहीं हो जाती, विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म, मतलब मैंने राइट की तरफ बोट घुमाई और मुझे पता था कि लोग मरेंगे, फिर भी और इससे हार्म होगा लेकिन फिर भी वो घुमाई केवल और उससे जो डैमेज हुआ केवल उस बात से ऑफेंस नहीं हो जाता है, ठीक है। इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, मतलब अगर वो कार्य किसी क्रिमिनल इंटेंशन के एब्सेंस, मतलब बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया हो, एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, गुड फेथ बैड, मतलब बोनाफाइड में आता है, तो अपने को है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ में आ गया कि किसी बड़े हार्म को, पर्सन चाहे प्रॉपर्टी को प्रिवेंट करने के लिए हम जब कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसकी वजह से भले ही स्मॉलर हार्म हो, भले ही ऑफेंस हो, लेकिन वो हार्म अगर बच रहा है
तो वो चीज ऑफेंस नहीं होती है, नेसेसिटी का डिफेंस मिल जाता है हमें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कहती है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कॉज हार्म। ये कहानी लिखी है ना, तो वो जरा बोर्ड पे चलते हैं, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। बस ये कहना चाह रहा है कि देखो ये नेसेसिटी का डिफेंस बंदे को मिलेगा या ना मिलेगा, ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीजें मीट करनी होती हैं, वो सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट डज दिस सेक्शन से, दिस सेक्शन बेसिकली प्रोवाइड्स ग्रांट्स इम्यूनिटी टू अ मैन फ्रॉम क्रिमिनल चार्ज विद रिस्पेक्ट टू एक्ट्स कमिटेड अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड बाय नेसेसिटी। ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए उसकी लाइफ में कि अब तो या तो ये करो नहीं तो दूसरा चीज हार्म ज्यादा कर जाएगी। तब अगर कोई बंदा कुछ एक्ट कमिट कर देता है अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस तो वो इसका प्रोटेक्शन पा जाता है। अच्छा देखो एक लीगल मैक्सिम है कोर्ट नेसेसिटस हैबिट लीगम, नोट डाउन कर लो, मीनिंग देखो नेसेसिटी नोज नो लॉ, ठीक है। जब जरूरत पड़ती है ना मनुष्य को कि मतलब करना ही पड़ेगा कोई कार्य, तो उस समय ध्यान नहीं आता कानून वानून भाई साहब क्या कानून है, ठीक है। सो इसके हिसाब से जब कोई विकट समस्या खड़ी हो जाती है तो मनुष्य अपने आप ही वो कार्य करता है जहां पे उसको कम हार्म हो या उसको या सामने वाले को, तो इसीलिए कहा गया नेसेसिटी नोज नो लॉज, ठीक है। वन मोर केस का प्रो, रेनिगर वर्सेस फगोसा FOGOSSA 1550। इसके अंदर जज साहब ने कहा कि कई बार सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहां पे जो कानून किताबों में लिखा हुआ है द वर्ड्स ऑफ लॉ विल बी ब्रोकन बट एक्चुअली नो लॉ विल बी ब्रोकन। समझ रहे हो, कानून में जो डेफिनेशन लिखी है ना कि ऐसा ऐसा होगा तो ये कांड माना जाएगा, बट कई बार वो चीजें होंगी लेकिन एक्चुअली में वो ऑफेंस नहीं होंगी, ठीक है। वही ये बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। जॉर्ज स्ट्रेथन का केस था 1779 में, इसमें जज साहब ने नेसेसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसको समराइज किया, ठीक है, बताया कि जब तक इंटेंशन नहीं होगी, गिल्टी माइंड नहीं होगा ना, तब तक ऑफेंस का कमीशन का कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग हम बात करते आ रहे हैं मैं से है। तो यहां पे भी जज साहब ने यही कहा, नेसेसिटी समराइज रोल ऑफ इंटेंशन वॉज जस्टिफाइड और वॉज इलेबोरेटेड, समझ रहे हो, ठीक है। ये फैक्ट्स वाली बात है, बातें याद रखनी है, नोट डाउन कर लीजिए साहब। अच्छा जैसा कि मैंने तो बताया कि वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कब हमें ये नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा। सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स लुक एट इट, अवेलेबल व्हेन, कब, व्हेन वी हैव डन द एक्ट टू अवॉइड कॉन्सिक्वेंसेस विच कैन नॉट अदरवाइज बी अवॉइडेड। मतलब वही ना, विकट समस्या आ चुकी है भाई, ये करो नहीं तो फिर तुम फंस जाओ, या तो वही बात करो या मरो वाली स्थिति जब जनरेट हो जाएगी तो आपको ये डिफेंस मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हार्म डन शुड नॉट बी मोर देन नेसेसरी। मतलब जब तुम कार्य कर रहे हो, जब भी तुम जैसे मान लो वो बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल लेते हैं ना, अगर सपोजिंगली तुमने वो बिल्डिंग तो गिरा दी या कुछ भी उसमें, अगर मान लो उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर या फिर मान लो टॉप फ्लोर पे ही आग लगी है, ठीक है, और उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है नीचे वाले फ्लोर को बचा के, है ना, और तुम फिर भी उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। मतलब एक एग्जाम्पल है, समझ रहे हो, जहां पे कम हार्म करके भी सिचुएशन को अवॉइड किया जाता था, फिर भी अगर तुमने, ये सब किसके साथ जज होता है पता है, अगर तुमने ज्यादा हार्म कर दिया और तो वो चीज नहीं माफ करी जाएगी। अब ये सब जज किसके हिसाब से होता है,
ऑर्डिनरी प्रूडेंस के एक आदमी के हिसाब से वो क्या करता है उस सिचुएशन में, उसके हिसाब से इन चीजों को देखा जाता है। ठीक है, सो द हार्म कॉज शुड नॉट बी मोर देन नेसेसरी विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। हमने पढ़ाई था अभी, क्रिमिनल इंटेंट नहीं होना चाहिए भाई, समझ रहे हो, जो भी नुकसान होगा वो कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस में मजबूरन करना पड़े, सोच के मैलिफाइड इंटेंशन होके गलत कार्य करने की मंशा से नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये इन गुड फेथ, ठीक है ना, अब क्या बताऊं उसको तुम्हें। अच्छा, सो दिस सेक्शन गिव्स प्रोटेक्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेज, सेल्फ प्रिजर्वेशन। सैल्वेज, डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेज टॉक्स अबाउट सेल्फ प्रिजर्वेशन। क्या है सर ये? देखो, ये जो आदमी कार्य करता है ये मोस्टली क्या, अपनी या फिर दूसरों की के हित में जो सबसे बेहतर उसको ऑप्शन दिखाई देता है सेल्फ प्रिजर्वेशन का, उसके लिए करता है। ठीक है, तो अब जब वो कार्य करा तो उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, है ना। तो लॉ के पर्पस को फुलफिल करने के लिए चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग सेल्फ प्रिजर्वेशन इज फुलफिल्ड बाय दिस सेक्शन बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेज। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नो सिंगल लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन द अदर। सुनो, अब तुम लोगों को कहानियां सुनाता हूं। चलो एक बात बताओ, प्रधानमंत्री की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेरी तुम्हारी या किसी और गरीब तबके के व्यक्ति की, या अमीरी गरीबी किसी की जिंदगी को ज्यादा कीमती बनाती है या कम कीमती बनाती है? क्या फैक्टर्स होते हैं बताओ। तुमको कहा जाए कि दो लोग मर रहे हैं, उनमें से एक प्रधानमंत्री जी हैं, एक आम आदमी है, किसको मरने दोगे? ऑब्वियसली साहब प्रधानमंत्री को बचाना पड़ेगा ना। लेकिन लॉ ऐसा नहीं मानता है, लॉ की नजरों में हर बंदे की जिंदगी की कीमत बराबर है। इसलिए अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए, यहां पे सुनो, यहां पे एक कंफ्यूज मत होना, प्राइवेट डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी और जिंदगी बंदे की जिंदगी को दांव पे लगा देता है, ठीक है, तो फिर उसको ये डिफेंस नहीं मिलेगा। तो वो ये नहीं करता कि साहब मुझे नेसेसिटी थी, अपनी जान बचानी थी। तुमने किस मायने से यह मान लिया कि जो हार्म कमिट होगा वो ज्यादा होगा अगर तुम मरोगे और सामने वाला मरेगा तो कम होगा? हाउ हैव यू वैल्यूड योर लाइफ मोर देन द अदर पर्सन, ये पूछता है लॉ आपसे, है ना। तो इसीलिए ये चीज कंसिडर नहीं करी जाएगी। ठीक है, अब यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर बात करी जाए दो जिंदगियों की, तो मां के पेट में जो बच्चा होता है उसकी जिंदगी और मां की जिंदगी में अगर किसी एक को बचाने की बात आए तो मां की जिंदगी को ज्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक है, तो दिस एक्सेप्शन वॉज इन द केस ऑफ, वॉज डिक्लेयर्ड इन द केस ऑफ रेक्स वर्सेस बॉर्न, BORNE 1938। ठीक है, तो मदर्स लाइफ इज कंपैरेटिवली कंसिडर्ड मोर प्रेशर देन द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन इन द वूम, चाइल्ड इन द वूम। ओके, सो क्लियर। अच्छा सर, हमेशा ऐसा होता है, मतलब कभी तो ऐसा होगा कि आदमी ने कांड किया और मतलब नेसेसिटी का सोच के उसने किया, नेसेसिटी ही थी उसकी जिंदगी में किया, फिर भी उसको लाइबल चढ़ा दिया गया? हाँ भाई, इसमें कुछ एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, कुछ बातें हैं जहां पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, कुछ बातें हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। मैं बताता हूं, देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बढ़िया है, सुनो समझने की कोशिश करो, बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, देखो होमिसाइड, when we talk about necessity and homicide, homicide is killing of a human being, ठीक है, when we talk about necessity and killing of a human being, तो यहां पे दो बातें आती हैं, दो केस की बात करेंगे हम लोग तब समझ में आएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं दोनों। फर्स्ट है यूएस वर्सेस होम्स का केस 1892, नेक्स्ट इज आर वर्सेस डडले एंड स्टीफंस 1884। पहले केस की बात करते हैं, यूएस वर्सेस होम्स का केस 1892। सुनो सर, बोट पे किसी कारणवश बोट ना डूबे, उस समय 16 लोगों को
जो क्रू मेंबर्स थे ना उसमें से एक बंदे ने बाहर फेंक दिया पानी में, बेचारे मारे गए। अगर वो ना फेंकता तो बोट डूब जाती, अवश्य डूब जाती। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जिन क्रू मेंबर्स की भी जरूरत नहीं थी बोट पे, आपने किस हिसाब से उनकी जान बचाने की सोची और उन 16 लोगों को मरने दिया, बताइए। यहां पे आपने किस हिसाब से अपनी जिंदगी और उन क्रू मेंबर्स की जिंदगी जो आपके मेट्स थे उनको आपने बचाने की सोची। इसीलिए यहां पे उनको लायबल ठहराया गया। नेक्स्ट केस आर वर्सेस डडले एंड स्टीफंस की बात करें, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है यार। तुम लोगों को नॉर्मली कोई भी मतलब जो ज्यादा अपनी जो तुम लोग अभी शुरुआत कर रहे होगे, पता नहीं, मैं तो बताऊं कि कोचिंग कर रहा था तो उस टाइम पे भी किसी कॉलेज से लोग आए थे और इसी केस की फैक्ट्स एंड सिचुएशंस बता गए और बोलते हैं सोचो तुम लोग लॉयर्स बनने वाले हो, बताओ क्या डिसीजन दोगे। सो ठीक है, तुम लोग बताना ठीक है कमेंट सेक्शन में कि क्या होना चाहिए, क्या हुआ, क्या ठीक था सब कुछ। ओके लिसन, हुआ क्या कि ऐसा हुआ कि 4 से 5 लोग, अपन लोग ब्रीफ में समझेंगे, ज्यादा डिटेल में समझेंगे, कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि एक बंदा था ठीक है उस और 4-5 लोग और थे साथ में, बोट पे फंस गए समुद्र के अंदर ठीक है। कई दिन हो गए इनको खाना नहीं मिला, पानी तो क्या कोई दिक्कत नहीं है ना, पानी नहीं पीते रहे। सो बहुत ही सिचुएशन खराब होती गई। इन्होंने कोशिश करी मदद मंगाने की, जैसे भी इनका इनके है ना, और ढूंढते रहे आगे बढ़ते रहे, पानी में ही बने रहे, अल्टीमेटली खाना नहीं था। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर इन्हें वेट करना था कंटिन्यूसली कि इनको हेल्प शायद कहीं से आ जाए, एक आशा किरण ये थी कि इनको हेल्प मिल जाए ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि अब सब लोगों को मालूम पड़ गया कि या तो अब हम सब मर जाएंगे भूख की वजह से, या फिर हम में से किसी एक को अपनी जिंदगी कुर्बान करनी होगी ताकि उसके मांस को या फिर बॉडी के कंटेंट को खा पी के और लोग जिंदा रह सकें, ताकि एटलीस्ट कुछ समय और वो मदद का इंतजार कर सकें और बच सकें। देखो यहां पे एक जो लड़का था इनके साथ उसकी हालत बहुत खराब थी, मतलब इनमें सबसे ज्यादा खराब थी। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने उसको मार दिया और उसके फ्लैश पे सरवाइव किया और कोर्ट को कहा कि साहब अगर ऐसा नहीं करते तो हम सब मर जाते, ग्रेटर हार्म होता। यहां पे ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए ने लेस हार्म किया। कोर्ट ने इनको फिर भी सजा दी। कोर्ट ने कहा ये क्लियर केस ऑफ होमिसाइड है, तुमने एक आदमी की सोची समझी हत्या करी है, समझ रहे हो। अब तुम लोग ये सब सोच रहे होगे कि सर जरूरी क्या है, मतलब क्या पता उनको लग रहा हो कि वो मरने वाले हैं और कुछ समय भी तो लग सकते थे, मतलब ऐसा स्टेटेड है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में कि ये सब चीजें क्लियर कर चुके थे कोर्ट कि बहुत सारे दिन हो गए थे जिस वजह से उनको ऐसी हालत हो गई थी, उनका मरना मतलब बहुत करीब था। तब उन्होंने थक हार के इंतजार कर करके जब वो चूर हो गए तब ऐसा एक्ट किया, बिल्कुल नेसेसिटी थी उनके लिए। लेकिन फिर भी कोर्ट ने इसको गारंट नहीं किया नेसेसिटी का डिफेंस और इनको लायबल ठहराया। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कोर्ट ने ठीक किया कि नहीं। ठीक है तो नेसेसिटी और होमिसाइड का जो कंफ्लिक्ट है वो समझ में आ रहा है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लार्सेंसी, नेसेसिटी एंड लार्सेंसी। लार्सेंसी मतलब थेफ्ट की बात कर रहे हैं, चोरी की बात कर रहे हैं। देखो एक बात बताओ, अगर चोर कहने लगे कि साहब भूख लग रही थी, भूख की वजह से पेट दर्द कर रहा था, मरने ही वाला था मैं, इस चक्कर में मैंने उस दुकान से वो वाला खाना चुरा लिया, तो ऐसे तो हर कोई जरूरत कोई ना कोई चोर स्टेट कर ही देगा और अपने क्राइम को जस्टिफाई ही कर देगा, तो पूरा लीगल सिस्टम ही फेल हो जाएगा है ना। तो इसीलिए ज्यूरिस ने कहा कि इकोनॉमिक नेसेसिटी इज नो डिफेंस फॉर कमिटिंग लार्सेंसी ठीक है, क्योंकि
हर कोई ज्यादातर थीफ्स ऐसी सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं कि उनको अगर वो थेफ्ट कमिट ना करें तो जो उनकी हालत होगी वो और बदतर होगी, यहां तक कि पनिशमेंट भी जो उनको मिल रही है वो भी उस हालत से जो उनकी बिना चोरी करे होती, ड्यू टू इकोनॉमिक लैक ऑफ इकोनॉमिक मींस, वो उनकी ऐसी होती ही है जिस वजह से वो उनको फोर्स करती है। तो अगर ये डिफेंस दिया जाने लगा तो फिर चोरियां रोकना तो आप भाई समझ लो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहां पे डिफेंस नहीं दिया जाता है नेसेसिटी होने के बावजूद। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रोचमेंट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। इंक्रोचमेंट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी में सिर्फ एक बात समझ लो, आर वर्सेस लोमैन के केस में LOUGHMAN 1939, इसमें कहा गया कि साहब अगर किसी की जिंदगी को बचाने के लिए हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं, नेसेसिटी है अगर हमारा घुसना वहां पे, तो फिर हमको ये डिफेंस मिल जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व लाइफ दिस इज परमिटेड बाय लॉ, ठीक है, दिस इंक्रोचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी इज परमिटेड बाय लॉ, ठीक है, क्लियर हो गया। सो सेक्शन 81 के अंदर जितनी भी चीजें थी हमने डिटेल में डील कर ली, इससे ज्यादा तुमको जानने की जरूरत है, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब करो।